यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टाइप करें ताकि आप नए वीडियो को रोज़ देख सकें। मेरे अजीज़ों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के इलाके की वीडियो है, जहाँ पर ये भारी मोटे मोटे और विशाल ओले गिर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ओले दिख रहे हैं गिरते हुए। मेरे अजीज़ों, मेरे मसीह भाई बहनों, हमें परमेश्वर में मजबूत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बाइबल में जैसे एक एक बात जैसे लिखी गई है वो सब आने वाले दिनों में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने पहले से ही ये बातें बता दी कि अंत के दिनों में ये सब विपत्तियाँ आने वाली हैं। मगर हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो ही हमें सुरक्षित रखता है। जैसे इसराइलियों पर, जैसे जब इसराइली जब मिस्र देश में थे तो परमेश्वर ने उनको एक देश, उनको एक स्थान में, गोशेन नामक स्थान में उनको सुरक्षित रखा। उनमें मिस्र पर जो आई विपत्ति, उसमें से कोई भी उन पर हानि ना करने पाई, वरन एक पशु भी उनका नहीं मरा। तो मेरे जो आप देखिए किस तरह ये पूरे गांव की हालत है, बड़े बड़े ओले, इनका जो साइज़ है वो एक हाथ के बराबर है, एक एक हाथ के बराबर है। तो किस तरह यहाँ पर नाश हुए, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हमारा कर्तव्य ये है कि हम अपने देश के लोग के लिए प्रार्थना करें, ताकि उन पर परमेश्वर के अनुग्रह हो, ताकि वे भी बचाए जाएं और नाश ना हो। देखिए मेरे भाई बहनों, किस तरह ये ओलों से नाश हुआ है, ये पूरा गांव जो है किस तरह नाश हुआ है। बताया जा रहा है कि ये ओले, इस ओले से बहुत भारी नुकसान हुआ है, और इन ओलों से छतें और गाड़ियाँ चपेट में आ गई हैं, और जो टीन की जो छप्पर छतें होती थी वो सब भी नुकसान हो गए हैं। जैसे आप अभी देखेंगे कि किस तरह ये गांव में अभी नुकसान हुआ है। मेरे अजीज़ों, ये आने वाले दिनों के संकेत हैं, चिन्ह हैं, कि हमें परमेश्वर बता रहा है कि ये सब होंगे। मगर हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह है जो हमें छुड़ाता है, और तमाम वो बातें जो हमें नुकसान पहुँचाती है उससे हमें छुड़ाने वाला है। मेरे अजीज़ों, विश्वास करें। यदि आपने विश्वास नहीं किया तो आप सच्चे परमेश्वर को जानिए जिसने आपको बनाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरे छत के छत कैसे ये ओलों की चपेट में आ गए हैं, और देख सकते हैं कितना भारी नुकसान हुआ। यीशु खुदा की जात का नक्श, उसके जलाल का परताव है। यीशु अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा है। यीशु कदीम उल अयाम है, वो अजली और अबदी है, वो जो था, जो है और जो आने वाला है। यीशु कायनात बनाने वाला और संभालने वाला अजली कलिमा है। जब कुछ ना था यीशु तब भी था, जब कुछ ना रहेगा यीशु तब भी रहेगा। यीशु कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया की तारीख यीशु के गिर्द घूमती है। यीशु आसमान, जमीन, नबियों, रसूलों, फरिश्तों समेत तमाम मखलूकात का खुदाए महमूद है। यीशु वो है जो आदम से लेकर यौम अदालत तक हर एक ईमानदार और बरगुजीदा जिसका मुंतजिर है और रहेगा। अब्राहम भी उसके दिनों को देखने का मुंतजिर था, इससे पहले कि अब्राहम था, यीशु है। यीशु बादशाहों का बादशाह, खुदामंदों का खुदामंद है। यीशु जलाल और हशमत, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, शुक्र, तमजीद, परस्तिश और हम्द के लायक खुदा है। दुनिया में कोई ऐसा तराजू नहीं जो यीशु की कुदरत, इख्तियार और अजहद भारी जलाल को तोल सके। दुनिया में कोई ऐसा पैमाना नहीं जो यीशु की मोहब्बत, रहम, कर्म और तर्ज की हदों को माप सके। दुनिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं जो उसके ख्याल और इरादे को परख सके। दुनिया में कोई नहीं जो उस पर गुनाह साबित कर सके। यीशु खुदा का बेटा है, वो गुनाहगारों का निजात दहिंदा है। वो लासानी है, उसके जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। वो कमजोरों की ताकत, गरीब, यतीम और बेवा के हक का मुहाफिज है। यीशु आजमाइश में फंसे हुओं का मुस्तैद मददगार है। वो तो आग की भट्टी में इलाहजादे की सूरत उतर जाता और बचा लेता है। वो बीमारों को शिफा देता, अंधों को आंखें देता, गूंगे बहरों को बोलने सुनने की ताकत देता, लंगड़ों को चलाता, मफलूजों को बहाल करता, बदरूहों को निकालता, कोढ़ियों को पाक करता और मुर्दे जिंदा करता है। वो कहे तो पानी मैं बन जाता है, वो हुक्म दे तो समुंदर, तूफान, आंधियां थम जाते हैं, वो कहे तो दरख्त और पहाड़ जगह छोड़ दे। वो गुनाहगारों को माफ करता, वो कैदियों को आजाद करता, वो हिकमत का चश्मा, वो निजात का दरवाजा, वो जिंदगी की रोटी, वो जिंदगी का पानी, वो दुनिया का बदी नूर, वो राह, हक और जिंदगी है। कयामत और जिंदगी वो है। अच्छा चरवाहा वो है जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। वो अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। उसके कहने बल्कि इरादा कर लेने
से सब कुछ हो जाता है। उसका जुआ हल्का और मुलायम है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई उसका वजूद, उसका ख्याल और उसका नक्श मिटा नहीं सकता। उसे कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं, लेकिन कायनात उसके बगैर कायम नहीं रह सकती। हेरोदीस उसे मार ना सका, फरीसी उसका मुकाबला ना कर सके, पिलातूस उसमें जुर्म ना पा सका, मौत और कब्र उस पर गालिब ना रह सके। वो मर गया था, मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठा। उसने इब्लीस के सर को कुचला और उसके कामों को मिटाया। वही है जो सबको आखिरी दिन फिर जिंदा करेगा, वही है जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है, और वो भी जिन्होंने उसे छेदा था उस पर निगाह करेंगे और छाती पीटेंगे कि हमसे ये क्या भूल हो गई, हमने इसको क्या जाना। दुनिया की जुबानों में, दुनिया की किताबों में, आलिमों के सहनों में कोई लफ्ज ऐसा नहीं कि जो यीशु की शान को पूरे तौर पर बयान कर सके।